इंग्लिश वॉ वन एंड ऑल इस चैनल पे ग्रामर के जो बेसिक कंसेप्ट है जैसे कि ना एंड टाइप्स, उसी में उसका जेंडर ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं सो लेट स्टार्ट जेंडर इंडिकेट्स द सेक्स ऑफ अ पर्सन एनिमल बर्ड एंड इंसेक्ट यानी जेंडर वो अल्फाज रहते हैं जो किसी भी शख्स का किसी जानवर का परिंदे का या कीड़े का सेक्स डिटरमाइन करता है बताता है देर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश फिर इंग्लिश में जेंडर के चार टाइप्स हैं मैस्कुलिन फेमीनाइन कॉमन एंड न्यूटर इनकी मानी क्या है वो जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल जेंडर ऑफ अ पर्सन एनिमल बर्ड और इंसेक्ट मैस्कुल जेंडर यानी मर्दानी जीन्स राइट right? इसमें उस परिंदे का जानवर का या शख्स या कीड़े का क्या होता है उसका मरदानी जीन्स जो है वो उन अल्फाज से हमको समझ में आता है जैसे कि आपको एग्ज़ैम्पल नीचे दिए है बॉय मैन हजबेंड डॉग मोंक अंकल एट्सट्रा उसी तरीके से फेमिनाइन जेंडर क्या होता है फेमीनाइन जेंडर ये उस पर्सन एनिमल बर्ड या इंसेक्ट का फीमेल जेंडर फीमेल सेक्स डिटामाइन करता है राइट फॉर एग्जाम्पल गर्ल वुमेन मदर वाइफ बिच क्वीन ऑथरेस एक्ट्रेस एक्सेट्रा देन कॉमन जेंडर क्या है कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर्स ऑफ अ पर्सन एनिमल बर्ड और इंसेक्ट यानि जो कॉमन जेंडर है उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि उसमें दोनों भी शामिल होते हैं उसमें मेल जेंडर भी शामिल होता है और फीमेल जेंडर भी होता है जैसे कि पेरेंट्स में माँ और अब्बा दोनों शामिल हैं बेबी यानी गर्ल बॉय दोनों ड्राइवर यानी भी मेल फीमेल हो सकता है सिंगर भी लेडी या जेंटलमैन हो सकता है लाइकवाइज चाइल्ड टीचर रिलेटिव एनिमी पर्सन ये कॉमन जेंडर्स है और उसी तरीके से लास्ट है न्यूटर जेंडर जहाँ पे कॉमन जेंडर ये दोनों को शामिल करता है वहीं पर न्यूटर जेंडर दोनों को बेदखल करता है दैट मीन्स न्यूटर जेंडर डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल जेंडर ऑफ अ पर्सन एनिमल बर्ड और इंसेक्ट यानी वो दी गई चीज़ का वहाँ पे तो पर्सन एनिमल बर्ड या इंसेक्ट होते ही नहीं ज़्यादातर लेकिन वो नॉन लिविंग चीज़ें रहती इसके लिए यहाँ पर बताया है कि इन चीनों चीज़ों का वहाँ पर कोई भी इंक्लूजन नहीं होता जैसे कि बुक पेन पेंसिल लैम्प ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो न्यूटर जेंडर में क्या होते हैं शामिल होते हैं इंक्लूड होते हैं और आपको कॉमनली आने वाला क्वेश्चन ये होता है कि मैस्कुलिन वर्ड्स ये है उसका फेमिनाइन लिखो या फिर फेमिनिन वर्ड्स ये होते हैं और उसका मैस्कुलिन लिखो सो येयर आर सम वर्ड्स यू कैन सी बॉय गर्ल जेंटलमैन लेडी लॉर्ड लेडी हार्ट रो हार्ट यानी बोलते हैं ना नर हिरन बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई ऐसा आदमी स्पिस्टर यानी बिना शादीशुदा जो लड़की है उसको स्पिस्टर कहा जाता है उसी तरीके से हॉर्स मेयर डक डो हस्बैंड वाइफ बुल काव ग्रेट अंकल ग्रेट आंटी जैसे बड़े चाचा बड़े चाची हम कहते हैं वैसे उसी तरीके से अश अशरस किंग क्वीन बुलक हाइफ मैन वमेन कॉ कॉक हेन जार जरीना मॉक नन कोल्ट फिली नेव्यू नीज डॉग बिच रैम यू ड्रेक डक, स्टैग हाइंड ड्रोन बी लायन लायनेस मैनेजर मैनेजरेस, मेयर मेयरेस, जायंट, जायंटेस, स्वेन निम्फ टॉम क्वीन बोरसो फियांसी बोरिस वो ओ ए आर बोर्सो फाइनेंस फियांसे और फियांसी फियांसेज मैन फियांस लेडी लैड लैस मीटर स्पोनर पैटर्न पैटर्नेस, पियर पियोरेस पोएट पोएटिस प्रिस्ट प्रिस्टेस प्रोफेट प्रोफेटेस, शेफर्ड शेफर्डेस बट नाव डेज पोएट ये कॉमन जेंडर भी माना गया है लेडी पोएट एंड मैन पोएट Then, Steward, Stewardess, Viscount, Viscountess, Actor, Actress, Benefactor, Benefactress, Conductor, Conductress, Enchanter, Enchantress, Hunter, Huntress, Instructor, Instructress, Negro, Negress, Abbot, Abbess, Prince, Princess, Songster, Songstress, Temper, Temptress, Duke, Duchess, Votary, Votaress. Governor, governess, god, goddess, master, mistress, founder, foundress, don, donna, traitor, traitoress, dairyman, dairymaid, grandfather, grandmother, barman, barmaid, peacock, peahen, headmaster, headmistress, stepbrother, stepsister, milkman, milkmaid, stepfather, stepmother, landlord, landlady, son in law, daughter in law he goat she goat billy goat nanny goat bull calf cow calf fox vixen manservant maidservant he be she be jackass jenny s widower widow bridegroom bride hero heroine administrator administratrix executor executrix chairman chairperson spokesman spokesperson नाउ ये कुछ कॉमन वर्ड्स देखने के बाद कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे जो हमको सही से पता नहीं है नाव यहाँ पे ध्यान देंगे आप ऑफन सम नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउंस आर परसोनीफाइड विथ मैस्कुलिन और फेमीनाइन प्रोनाउंस यानी कुछ बेजान चीज़ें रहती है या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे कि कंसेप्ट जैसे बोलते हैं ना आइडियाज होती है इनको भी मैस्कुल और फेमिनाइन कहा जाता है जबकि वो नॉन जेंडर uh, uh, है बराबर फिर इसको मैस्कुलन फेमिनाइन कब लगता है ध्यान दो रिमेंबर द नाउंस दैट शो पावर स्ट्रेंथ वायोलेंस क्रिय क्रुअलिटी आर कंसिडर्ड मैस्कुलिन प्रोनाउंस जिन नामों से जिन कुदरती चीज़ों से आपको ताकत दिखती है वायोलेंस दिखता है क्रुअलिटी ऐसी चीज़ें दिखती है जो ऐसा माना जाता है मर्दानी है या मर्दानगी की, की निशानियाँ हैं तो वो मैस्कुलिन प्रोनाउंस कहे जाते हैं जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखो द सन स्टॉम तूफान टाइम वक्त डेथ मौत विंड हवा विंटर ठंड समर गर्मी ठंड बिजली ओशियन समंद लव प्यार मोहब्बत वर्म कीड़ा वाइन शराब तो जैसे कि देखो दिया है द सन रिथ इज ग्रैंड्योर यानी सन पावर बता रहा है ताकत बता रहा है इसके लिए उसको हीज़ कहा गया है हीज़ ग्रैंड्योर द समर इज़ अवेयर ऑफ इज हीट समर ये भी क्या है एक मौसम है जो ताकत बताता है ट्रबल करता है राइट right? तो यहाँ पर उसको भी हीज़ लगाया गया है यानी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ अगर आपको दिखता है कि वो मर्दानगी की, की निशानियाँ बताती है जैसे कि क्रुएल्टी है वायोलेंस है पावर है स्ट्रेंथ है तब उनको मैस्कुलिन प्रोनाउंस लगाए जाते हैं जैसे यहाँ पर हीज़ का इस्तेमाल ही किया है तो फिर फेमिनाइन प्रोनाउंस कहाँ पर यूज़ होते हैं वेरेवर यू फाइंड ब्यूटी डेलीकेशन डेलीकेट डेलीकेट अट्रैक्शन जस्टिस फ्रीडम जेनरोसिटी नेचर साइलेंस तब वहाँ पर फेमिलाइन प्रोनाउंस का यूज़ होता है जैसे कि द मून शाइन्स विथ हर ब्यूटी साइलेंस हैज़ हर ओन पावर राइट यानी ये दोनों चीज़ें मून और साइलेंस ये क्या करते हैं फेमिलाइन क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिए उनको फीमेल प्रोनाउंस यूज होते हैं देन वुमन इज़ यूज टू शो ओनली जेंडर नाव याद रखो जब हम वुमन इस्तेमाल करते हैं ये अल्फाज वूमन इस्तेमाल करते वो तो सिर्फ जेंडर बताता है जैसे कि देर आर समीम वहाँ पे कई सारी औरतें हैं लेकिन लेडी कब इस्तेमाल होता है लेडी इज़ यूज्ड टू शो द प्रेजेंस और पोजीशन ऑफ अ वमन इन सोसाइटी यानी कोई एक अहदे पे कोई अगर लेडी काम पर है तो पोजीशन बताने के लिए या फिर उनका प्रेजेंस उनकी मौजूदगी बताने के लिए हम लेडी का इस्तेमाल करते है। जैसे हैव यू सीन दिस लेडी उसी तरीके से जब हम डायरेक्ट किसी लेडी से बात करते औरत से तब वाइल डायरेक्टली एड्रेसिंग वुमेन मैडम इज़ यूज हम मैडम इस्तेमाल करते वुमेन नहीं कहते औरत नहीं कहते मैं आई कम इन मैडम मैं आई गो मैडम राइट उसी तरीके से देर आर सम कलेक्टिव नाउंस कलेक्टिव नाउंस जैसे कमिटी है जूरी है फैमिली टीम असेंबली तब जो वर्ब है तब वो जो वर्ब है वो सिंगुलर न्यूटर एंड एनी ऑन सूटेबल प्रोनाउन इट और इट्स इज यूज जैसे कि देखिए जब हम जूरी ये ग्रुप है लेकिन इनको हमको सिंगुलर नाउन लगाना है जैसे कि इज है राइट यहाँ पे गिव्स है और उसके आगे जो प्रोनाउन आएगा ये एक सूटेबल न्यूटर ऐसा प्रोनाउन हमको लेना है जैसे कि द जूरी अन एनिमसली गिव्स इट्स डिसीजन इट्स द ग्रुप इज वेरी स्ट्रांग जो ग्रुप है वो बहुत ताकतवर है राइट right? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन के लिए हमको सूटेबल ऐसा सिंगल वर्ब इस्तेमाल करना है सिंगुलर वर्ब और सूटेबल ऐसा प्रोनाउन भी इस्तेमाल करना है ओके okay? उसी तरीके से वन दर इज़ डिफरेंस इन डिसीजन देन द नाउन इज प्लोरल एंड प्रोनाउंस लाइक दे देम आर यूज फॉर एग्जाम्पल कभी कभी उन ग्रुप में वो जो ग्रुप है उसमें Uh, क्या है ग्रुप्स है उसमें वापस हिस्से हो चुके हैं बढ़ चुका है तब उनको प्लूरल में इस्तेमाल करना है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर देखो जूरी एक पूरा जूरी यानी क्या वो जो जजेस थे उनका ग्रुप उन्होंने एक साथ मिलकर डिसीजन दिया तो ये इट्स उनका डिसीजन है उसको हमने इट्स का क्योंकि वो सबका एक साथ था लेकिन मैंने आगे बताया कि कभी कभी उनमें भी क्या होते डिफरेंस रहते आधा ग्रुप कुछ और कह रहा है और आधा हिस्सा कुछ और तब क्या करते हैं देखो द जूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर डिसीजन यानी यहाँ पर जब जूरी यानी उस ग्रुप में जब डिफरेंस होता है फ़र्क होता है हिस्से होते हैं तब हम उनको प्लूरल प्रोनाउन लगाते हैं जैसे कि यहाँ पर है वर डिवाइडेड ऑन देयर डिसीजन उसी तरीके से द टीम आर फाइटिंग अमंग दैम यानी टीम है वो एक ज़रूर है लेकिन उनके अंदर झगड़े हो रहे हैं टीम के लोगों में तब यहाँ पर आर इस्तेमाल होगा और आगे दैम उसी तरीके से लास्ट देखिए द कमिटी डिस्कस द मैटर विदाउट लीविंग दर सीट्स यानी पूरी कमेटी ने अपनी जगह ना छोड़ते हुए मैटर डिस्कस कर लिया लेकिन यहाँ पे कमेटी यानी सब एक साथ नहीं है उनमें भी हिस्से हो चुके हैं गेटिंग इट यानी जब उनमें हिस्से बनते हैं किसी ग्रुप में तब हम उसको प्लूरल वर्ब लगाते हैं और प्रोनाउन भी प्लूरल लगाते हैं लेकिन जब वो एक साथ डिसीजन लेते हैं एक साथ काम करते हैं या उनके एक ऐसे होने के लिए हम कुछ कहते हैं तब उनमें सिंगुलर वर्ब आता है और सिंगुलर सूटेबल प्रोनाउन यूज होता है राइट दैट्स इट आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच